10 जून 2020 पूरे परिवार के 10 साल का इंतज़ार ख़त्म हुआ। आपके तो नन्हे कदम ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। थैंक यू फॉर चूजिंग अस आज योर पेरेंट्स। वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू इन आवर लाइफ। आपकी शरारतें, आपकी समझदारी, आपकी नॉटीनेस, आपकी क्यूटनेस, सब कुछ हमारे सर आँखों पर। 2 साल कोविड में चले गए, इस वजह से कुछ सेलिब्रेट नहीं कर पाए थे। आपकी 3rd बर्थडे पर आपके लिए ये ग्रैंड सेलिब्रेशन। ये बर्थडे वाले दिन की सुबह है, फिर से और एक केक कटिंग की तैयारी हो रही। ये छोटी दीदी है और ये बड़ी दीदी, और साथ में ये मेरी भतीजी, हमारा बर्थडे बॉय अपने पापा के साथ। ये है मेरी प्यारी भाभी। ऑलमोस्ट सारे गेस्ट घर पे आ गए थे और ये घर से कुछ मिठाइयाँ लेके आए थे। बर्थडे हो और इतनी बड़ी खुशी का दिन हो, मिठाई ना खिलाए तो हो नहीं सकता। ये केक आया था मम्मी जी के यहाँ से, यानी हमारे मामा जी लेके आए थे। तो जो हम लोग सुबह काट रहे हैं, सायंसु अपने बड़े भाई के साथ, प्रियांशु के साथ केक कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पे सारे भाई बहन इकट्ठे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। यहाँ पे ना सायंसु और एक क्यूटेस्ट थिंग कर रहा है कि थोड़ा थोड़ा केक सबको दे रहा है और बाकी पूरा केक वो खुद ही खा रहा है। देखिए, जिस जिस को भी उसने खिलाया है, सबका केक उसने खाया। लंच भी बन के पूरा रेडी है और ये बड़ी दीदी और छोटी दीदी ने दोनों ने मिलके बनाया है। और अभी बैच वाइज हम सब लंच करेंगे। पहले बच्चों की बारी। लंच भी बहुत टेस्टी बना था। थैंक यू दीदी लोग, आप लोग आए और इतने अच्छे से सेलिब्रेशन हो पाया। आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू। अब है हमारी बारी। हम 5 बजे थे लास्ट में, बाकी सबका खाना ख़त्म हो चुका था। खाना खाने के बाद हम लोग लेंगे थोड़ा सा रेस्ट, उसके बाद फिर तैयारी करेंगे पार्टी की। सीधे पार्टी वेन्यू पे। Thank you.
उम्मीद करती हूँ आज का ये बर्थडे ब्लॉग आप सब ने बहुत इन्जॉय किया होगा। कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर से बताएं कि आपको कैसा लगा। हमारे पूरे परिवार को, मेरे बेटे को बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।